तो फ्रेंड्स अब बज चुके हैं सुबह के 9:15 बज चुके हैं फ्रेंड्स, और ये कबीर भी उठ चुका है। कबीर ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, और देखिए फ्रेंड ये ड्राइंग बना रहा है अपनी, इसने अभी अभी बनाई है। ये देखिए इसको ड्राइंग बनाने का शौक है फ्रेंड्स, तो ये अपना लेके बैठ जाता है सुबह सुबह। ये भी इसने ही बनाया था फ्रेंड्स, कबीर ने ही बनाया था, ये भी कबीर ने बनाया था। जो भी सारी कबीर की, कबीर एक दो दिन में ही फ्रेंड्स सारी शीट भर देता है। ये अभी तक हम आपकी कितनी ले आए, 2-3 तो ले आए होंगे ना, सारी फ्रेंड्स भर चुकी है ये। तो फ्रेंड्स हमारा हाफ हो चुका है काम, या खेल रहा है लेट कर बैठ कर, जैसे भी इसकी मर्जी हो रही है। अभी बजे 11:15 बज रहे हैं, अभी तक दूध वाले भैया नहीं आए हैं फ्रेंड्स, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। आज और ये खेल रहा है, और यहाँ पे मैंने लगा रखा है मंत्र, क्योंकि कबीर के स्कूल में भी है वक्रतुंड महाकाय वाला मंत्र है, जो वो सुनता रहता है और खेलता रहता है, इससे इसको लर्न भी हो जाएगा क्योंकि बोल रहा है साथ साथ। तो आप भी अगर आपके बच्चे सुनते हैं तो सुना, शर्मा रहा है फ्रेंड्स। कबीर को वैसे लर्न है, मगर फिर भी मैं चला देती हूँ कि जो ये थोड़ा स्पेलिंग्स है थोड़ा अच्छे से इसका अच्छे से समझ सके इसको कि क्या बोल रहे हैं वो। तो आप भी अगर आपके बच्चे सुनते हैं तो ज़रूर लगाएं, आप काम करते करते खुद भी सुन सकते हैं और बच्चे भी सुनकर लर्न हो जाएगा आराम से। मैंने अभी दूसरा मंत्र भी लगाया था, कौन सा कबीर था वो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु वाला कबीर को ऐसे लर्न है। सुनाओ इधर आओ, लर्न है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् ब्रह्म नमः चरणाय नमः। तो देखिए फ्रेंड्स कबीर ने लर्न कर लिया है, ये वाला भी लर्न हो गया, और जो अभी मैंने वक्रतुंड महाकाय चलाया था वो भी लर्न हो गया कबीर को। तो अच्छी चीज़ें ही सीखनी चाहिए वैसे बच्चों को। अब छुट्टियाँ हैं तो मैम भी पूछेगी कि क्या क्या देखा टीवी में, क्या सीखा, तो कम से कम बच्चा कुछ लर्न करके जाएगा तो बता तो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं कबीर की करती हूँ नहाने की तैयारियाँ, तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो देखिए फ्रेंड्स इसको ये ऐसे नहा रहा है, इसको इतना मनाना पड़ा है, नहा लो नहा लो, अपने गेम में लगा हुआ था फ्रेंड्स ये WWE। तो अब इसको देखो रूम में बैठ के नहा रहा है आराम से टब में, ये समर वेकेशन इनकी पड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ। बहुत ही फ्रेंड्स गर्मी हो गई है, फिर से उमस हो गई है, बाहर तो हवा चल रही है और ये यहाँ नहा रहा है भाई साहब जी। कह रहा किसको का भाई साहब जी। तो फ्रेंड्स इसको बाथरूम में कुछ दिख गया कि पता नहीं कोई कीड़ा है क्या, कह रहा था बाथरूम में नहीं नहाऊंगा तो और यहाँ नहाऊंगा। तो फिर मैंने कहा फ्रेंड्स बहुत हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो मैंने कहा यहाँ नहा लो, चलो अच्छा इधर मेरा धुल भी जाएगा सारा रूम, यहाँ से मैं रूम सारा धो दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये सब कुछ करना पड़ता है जब बच्चे ऐसे हों, कुछ सुनते ना हो, ये बिल्कुल नहीं सुनता मेरी बात, कह रहा है मम्मा यहीं नहाऊंगा। तो फिर मैंने कहा चलो आज नहला रही हूँ, कल से बाहर नहाना नहीं तो बाथरूम में। ये 2 दिन से फ्रेंड बाहर नहा रहा था, इसको बाहर अच्छा लग रहा था, मैं पाइप लगा दे रही थी पाइप से नहा ले रहा था, और मुझे बाल्टियाँ उठा उठा के लानी पड़ी फ्रेंड्स, ये 2 बाल्टियों से नहाया है। तो अभी मैंने इसको रगड़ दिया अपना टॉय लेके, इसमें खेल रहा है आराम से, इसने साइड में टांगी हुई अपनी बनियान, देखिए नो कबो मुँह में डालो, तो बोल रहा है इसका गेम को इसने अभी म्यूट करा हुआ है, मतलब कि आ नहीं रहा है कुछ भी, पोज कर दिया है और यहाँ पे अपना नहा रहा है। चलिए अब मैं भी जाती हूँ नहाने जल्दी से, पानी नहीं है बेटा, 2-2.5 बाल्टी से नहा लिया फ्रेंड, और मैंने सारा गिरा दिया इसका पानी, थोड़े से पानी से नहा रहा है अभी, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो देखिए फ्रेंड्स कबीर नहा के हो चुका है रेडी, दिखाओ कबीर, और ये खेल रहा है अपने वही WWE का, इससे रहा नहीं जा रहा था। तो आज फ्रेंड थोड़ा दिया मैंने, अब थोड़ा रह गया है, तो रोज़ रोज़ डेली डेली कर लेगा, है ना कभी रोज़ डेली करोगे ना। तो ये भी अपना इसने टॉय नहला के यहाँ लिटा दिया है, यहाँ देखो सूख चुका है, बाहर भी मैंने पूरा धो दिया है। अब थोड़ी धूप चली गई फ्रेंड्स तो अच्छा लग रहा है, थोड़ी हवा भी चल रही है। अपने हैं कपड़े और मेरे बर्तन भी अभी फ्रेंड्स ऐसे ही पड़े हैं, बर्तन धोती हूँ कपड़े, तो फिर उसके बाद मिलती हूँ अभी थोड़ी देर।